दोस्तों, आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, क्योंकि यह 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है, जो किसी बकरी या हिरण को भी सीधे निगल जाने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम का सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे। टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इसे मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। वैसे तो यह माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा कर सबको चौंका दिया था कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। यह इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगरमच्छ को भी निगल सकता है। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी में यह दैत्य रूपी जीव आज भी रह रहा है। माना जाता है कि यह सांप करीब 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। इस सांप का वजन करीब 1500 किलो होता था। इस सांप की जानकारी साल 2009 में दुनिया को मिली थी। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई जीवाश्म मिले थे। इन जीवाश्मों की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि उस सांप की लंबाई करीब 42 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। इस सांप का नाम टाइटेनिक जहाज के नाम पर रखा गया है, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटेनिक जहाज की तरह विशाल था और धरती पर मौजूद सभी सांपों में यह सबसे बड़ा सांप था। आज हम इंसान जिस मगरमच्छ से डरते हैं, उस मगरमच्छ को यह बड़े ही चाव के साथ खाता था। इस सांप का मुख्य आहार उन जंगलों में पाए जाने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ थे और टाइटेनोबोआ सांप पूरी तरह मांसाहारी हुआ करते थे। यह सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इसका वार इतना जोरदार होता था कि एक ही बार में शिकार मर जाता था। टाइटेनोबोआ सांपों का इतना विशालकाय होना उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री हुआ करता था। और यह ठंडे खून वाले जीव जैसे कि टाइटेनोबोआ को बढ़ने के लिए अनुकूल तापमान था। समय के साथ साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और यही इन सांपों के विलुप्त होने का कारण बन गया। अब टाइटेनोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावे करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेजन नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटेनोबोआ जैसे किसी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि अमेजन जंगल और यह नदी इतना विशाल है कि इसके अंदर घुसने की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पाता।